और दिल्ली में 22.5 करोड़ की लूट का मामला है। कैश वैन का फरार आरोपी ड्राइवर गिरफ्त में आ गया है। आरोपी ड्राइवर प्रदीप शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने ओखला से प्रदीप को गिरफ्तार किया है और ड्राइवर के कब्जे से लूट की रकम भी बरामद कर ली गई, यानी कि 22.5 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। यूपी के बलिया का रहने वाला है आरोपी ड्राइवर। गुरुवार को एटीएम कैश वैन से 22.5 करोड़ लेकर भागने वाला ये ड्राइवर प्रदीप शुक्ला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया दिल्ली के ओखला से, आरोपी के साथ लूटी गई राशि भी बरामद की गई है। आरोपी ने ओखला मंडी के गोदाम में ये रकम छुपाकर रखी थी। घटना दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास की थी। गुरुवार शाम को कैश वैन एटीएम में पैसे डालने आई थी और कैश वैन के गार्ड ने टॉयलेट जाने के लिए पहले गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर ने यू टर्न लेकर आने की बात कही और फरार हो गया। इसके बाद गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास कैश वैन तो मिल गई, लेकिन वैन में रखे गए पैसे गायब मिले थे। दो तस्वीरें, कल 22.5 करोड़ की लूट हुई, कैश वैन तो मिल गई गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास, लेकिन जो आरोपी ड्राइवर था उसे पकड़ लिया गया है और इसी की पूरी साजिश थी। गार्ड ने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकने को कहा तो ड्राइवर ने कहा कि वो यूटर्न लेकर आता है, लेकिन यूटर्न की बजाय वो चलता बना और फिर जो कैश रखा था कैश वैन में उसे एक गोदाम में छुपा दिया, फरार था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाई और इस आरोपी ड्राइवर को पकड़ा गया है।